अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो आज एक बहुत मज़े की रेसिपी बनने जा रही है जो कि है जी चिकन स्टफ पिज्ज़ा। इसकी मैं साइड्स को स्टफ़ करूंगी और ऊपर सारी फिलिंग करूंगी, टॉपिंग करूंगी। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए, लेकिन चीज़ें देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जो है वो उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों को इस पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए। तो इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए यहाँ पर तकरीबन आधा किलो चिकन लिया था। चिकन को मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। मैंने यहाँ पर दो पिज़्ज़ा बनाए थे, लेकिन मैं आपको एक ही पिज़्ज़ा की रेसिपी बताऊँगी। यहाँ पर मैंने एक चम्मच भर के बलाई ली है, जो घर पे मौजूद बलाई होती है वो। आधा टीस्पून मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के यहाँ पर मैंने मेल्टेड बटर लिया है। 3 मैंने लेमन लिए हैं और 4 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर दही लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है। यहाँ मैंने चंद मसाले लिए हैं, जिसके अंदर पहले 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, हसबे ज़ायका नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ओरिगानो लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया लिया है, आधा चाय का चम्मच से भी थोड़ा मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, हसबे ज़ायका या 1/2 टीस्पून आप काली मिर्च यूज़ कर लें। ये तमाम मसाले जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चिकन को मैरिनेट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर जो चिकन रखा था वो लिया है, और ये तकरीबन मैंने आधा किलो चिकन लिया था। उसके अंदर अब मैं दही डाल दूँगी भर के, और दही डालने के बाद इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालूँगी, जैसे कि 1 टेबलस्पून जो क्रीम ली थी मैंने बलाई वो, बटर डाल दूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो, और बाकी सारे मसाले डाल दूंगी। और इसको या आप हाथ की मदद से कर लें या आप चम्मच से ही कर लें, मिक्स कर लें। इसके अंदर मैं लेमन भी डाल दूंगी, अच्छे से स्क्वीज़ कर लूंगी, और इसको या हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हाँ, आप चिकन को अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैरिनेशन लगा सकते हैं, जैसे टिक्का मसाला लगा लें, बिहारी मसाला लगा लें, जैसे आप मैरिनेट करना चाहें यहाँ मैरिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर ये धनिया भी डाल दूँगी, और धनिया डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से आप ज़्यादा अच्छा मिक्स कर सकते हैं चम्मच की बनिस्बत। तो इसको अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। 1 घंटा हो गया था मैरिनेट किए हुए। तो अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसके अंदर सारा चिकन डाल दूँगी, और चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से पकाऊँगी। चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हिला लिया है मैंने, ताकि अच्छे से सारी जगह पे फैल जाए और मसाला इसके अंदर सारी तरह रच जाए। और अब मैं इसको ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो यहाँ 10 से 15 मिनट हो गए हैं, और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है, और सारा धुआँ कैमरे के ऊपर आ चुका है, तो अभी ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। ये हो गया ठीक। तो यहाँ पर जो चिकन है वो अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पकाऊंगी, या जितनी देर में आपका जो पानी है वो सूख जाए उतनी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से, वो तो पक चुका है लेकिन जो पानी है उसको हम लोगों ने सारा सुखा लेना है। तो यहाँ पानी भी अच्छे से सूख गया है, तो अब मैं इसको आपको हिला कर दिखा देती हूँ कि ये देखें, हम सिर्फ तेल है उसके अलावा इसके अंदर कोई पानी नहीं है, और ये बन भी चुका है। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी, चूल्हे को ऑफ कर दूँगी और ठंडा कर लूँगी। यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया था, और इसको मैंने 1 घंटे के लिए राइस करने के लिए रखा था, तो वो राइस हो चुकी है। और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा दोबारा गूंदूँगी। शेल्फ़ पे मैंने ये मैदा डस्ट किया है, और अब मैं इसको अच्छे से एक मरतबा गूंद के एक बॉल की शेप दे दूँगी। यहाँ मैं बता चलूँ कि डो की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। डो के मैंने 2 हिस्से किए थे, 1 हिस्से को मैंने रख दिया क्योंकि यहाँ पर मैं 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लेकिन मैं 1 हिस्से की रेसिपी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर 1 हिस्से को मैंने अच्छे से बॉल की शेप दे दी है, और अब मैं इसको अच्छे से बेल लूँगी, और इसको अच्छे से बेलने के बाद इसको पिज़्ज़ा पैन पे लगा के फिर वापस आती हूँ।
को मैंने बेल के अच्छे से पिज़्ज़ा पैन में लगा दिया, और उसकी एक्सेसिव साइड्स आपने थोड़ी ज़्यादा लंबी करनी है ताकि आप उसको बाद में सील कर सकें। यहाँ पर मैंने सारे जो कबाब हैं उनकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। कबाब्स को मैंने सारा साइड्स पर लगा दिया और जो एक्सेसिव साइड्स थे उनसे ही मैं इसको सील कर दूँगी। यहाँ पर मैंने सारी सील कर दी है और अब मैं इसके ऊपर जो सॉस लगा दूँगी। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी भी मैं बनाना सिखा चुकी हुई हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको फैला लिया है, और एक टेक्निक या एक टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप पिज़्ज़ा बनाएं तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद ये मायोनीज़ लाजमी लगाएं, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारी सॉसेस को ब्लेंड कर लिया है, स्प्रेड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ या टॉपिंग यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। तो आप अपने टॉपिक पे जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ मैंने टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च लगा लिए अच्छे से। तब मैं इसके ऊपर चिकन रख दूँगी जो हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो ये चिकन लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड कर दूँगी अच्छे से। तो अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि सारी चीज़ें सेट हो जाएं। 180 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। मेरा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है। तो अब मैं इसको मायोनीज़ के साथ ही ऊपर सर्कल्स बना दूंगी। आप केचप के साथ भी बना सकते हैं, वाइट सॉस के साथ भी बना सकते हैं, चीज़ सॉस के साथ भी बना सकते हैं। नहीं बनाना चाहते हैं तो मत बनाएं, लेकिन मेरा पिज़्ज़ा तैयार है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर दूंगी, और हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। इसको खाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, ये बहुत टेस्टी बना है। तो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। आऊँगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।